फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ेंगे, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू एग्रीमेंट, यानी कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट कराना है, समझौता कराना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, शी गो टू द स्कूल। तो शी क्या है? हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, तो शी गो टू द स्कूल नहीं होगा, शी गोस टू द स्कूल होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा जो सब्जेक्ट है शी सिंगुलर थर्ड पर्सन, उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यानी कि गोस का यूज किया है, शी गोस टू द स्कूल, है ना। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, हम लोग उसको एक एक करके समझ लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए, रूल फर्स्ट, इफ द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड देन द वर्ब विल बी प्लूरल। अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और उनमें कंजंक्शन एंड का यूज हुआ है तो वर्ब क्या होगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शालू एंड रीना आर फ्रेंड्स, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा दो है, तो हम शालू एंड रीना इज फ्रेंड्स नहीं कहेंगे, हम वहां पे क्या कहेंगे, शालू एंड रीना आर फ्रेंड्स, है ना। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई एंड ही आर गोइंग टू द दिल्ली, दिल्ली दो लोग जा रहे हैं ना, मैं और वो, तो इसलिए हम यहाँ पर ना एम लिखेंगे ना इज लिखेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, है ना। फिर सेकेंड रूल देखिए, जब दो नाउन यूज होता है किसी एक ही पर्सन या थिंग को रेफर करने के लिए, यानी कि किसी एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है और उस इंसान में दो तीन क्वालिटीज हैं, तो हम वहां पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द सिंगर एंड डॉक्टर डाइड, यानी कि जो डॉक्टर था और सिंगर भी था वो मर गया, है ना। द वेटर एंड शेफ इज सिक टूडे, यानी कि जो वो वेटर भी है और शेफ भी है तो वो आज बीमार है, है ना। अगर यहाँ पे ऐसे होता, द वेटर एंड द शेफ आर सिक टूडे, मतलब वेटर और शेफ दोनों ही बीमार हैं। यहाँ पर देखिए, एंड का जो यूज हुआ है वो क्वालिटीज को, यानी कि दो डिफरेंट नाउन्स को बताने के लिए यूज हुआ है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक ही पर्सन है, बस नाउन्स क्या है, दो है, ठीक है। फिर थर्ड रूल देखिए, जब हम दो नाउन्स का यूज करते हैं और उनकी मीनिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं इम्फेसिस करने के लिए, है ना, मतलब उस बात पे जोर देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ माय ऑफिस डिफर्स दैट ऑफ योर्स, यानी कि मेरे ऑफिस के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो तुम्हारे ऑफिस के रूल एंड रेगुलेशन से डिफरेंट है, है ना। तो इसमें देखिए, जो रूल और रेगुलेशन है ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, है ना, रूल एंड रेगुलेशन यानी कि नियम कानून, तो दोनों सेम है, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, डिफर्स, यानी कि डिफर के साथ हमने एस लगाया है, और डिफर्स में अगर एस लगाएंगे तो हमारा वो वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। रूल फोर देखिए, व्हेन टू नाउन्स आर नॉट सेम इन मीनिंग, यानी कि जब दो नाउन यूज तो हो रहे हैं लेकिन उनकी मीनिंग सेम नहीं है और वो किसी सेम आइडिया या किसी फ्रेज का पार्ट है, है ना, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखिए, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट, यानी ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेड और बटर दोनों हम साथ में यूज करते हैं और ये मील का पार्ट है, है ना, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, इज यूज किया, आर नहीं, ठीक है। फिर सेकेंड देखिए, स्लो एंड स्टडी गेट सक्सेस, यानी कि जो धीमे होते हैं लेकिन लगातार काम कर रहे होते हैं, जो अपने गोल को पाने के लिए, अचीव करने के लिए लगे हुए होते हैं, उनको सफलता मिलती है ना, दे गेट सक्सेस, क्लियर। फिर रूल फिफ्थ देखिए, व्हेन वी यूज आइदर और नाइदर नॉर एंड नॉट ओनली बट आल्सो, यानी कि आइदर और, या तो ये या तो वो, नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वो, और नॉट ओनली बट आल्सो कि सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी, है ना, इसका ये हिंदी मीनिंग है। तो जब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं दो सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो जो सब्जेक्ट वर्ब को, वर्ब से क्लोज है यानी कि वर्ब के जस्ट पास है, तो
तो वो ये डिटरमाइन करता है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे कि क्या होता है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं अगर हम उनको वर्ब के क्लोज करते हैं तो इसका मतलब जो है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा एक, और एक जो दूसरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है ना। यानी कि एक सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको हम वर्ब के पास यानी वर्ब के साथ यूज करेंगे और वर्ब वहां पर प्लूरल होगा। इसका मैं एक एग्जांपल और लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एक चीज क्लियर हो जाए, है ना। हाँ, तो देखिए मैंने अभी जो एग्जांपल लिखा है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर सिंगिंग, है ना, कि सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी गाना गा रहे थे। तो देखिए मैंने जो स्टूडेंट्स है यानी कि जो प्लूरल है उसके साथ हमने वर्ब क्या यूज किया, वर यानी कि प्लूरल वर्ब का, है ना। फिर बाकी जो एग्जांपल्स है वो भी देख लेते हैं। नाइदर मी नॉर यू आर गोइंग टू द दिल्ली, यानी कि ना तो मैं और ना ही तुम दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पे यू क्या है, ये यू भी हमारा प्लूरल हो सकता है, यानी कि यू को हम आप लोग भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको हम सिंगुलर भी मान सकते हैं। लेकिन जब मैं नाइदर मी नॉर यू, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया, तो इसलिए हम लोग आर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए, नॉट ओनली द राम बट ऑल्सो शीना वॉज सिंगिंग एट द पार्टी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, राम अलग है और शीना अलग है, तो दो सिंगुलर, दोनों सब्जेक्ट क्या है, हमारे सिंगुलर है, ठीक है। तो जो हमारा दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमने वर्ब को भी सिंगुलर ही रखा है, जैसे कि सिर्फ राम ही नहीं बल्कि शीना भी पार्टी में गा रहे थे, है ना। भले हम इसको हिंदी में बोलेंगे गा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा वॉज सिंगिंग यूज होगा। देखिए इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश ग्रामर कभी कभी अपने खुद के रूल्स को फॉलो नहीं करती हो, है ना। अब आप ऊपर वाला एग्जांपल देखिए, जस्ट पहले जो नाइदर मी नॉर यू आर गोइंग टू द दिल्ली, फिर उसके जस्ट नीचे वाला देख लीजिए एग्जांपल। तो कहीं कहीं इंग्लिश अपने रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिएगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बस उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज करिएगा, ठीक है। फिर रूल नंबर 6 देखिए, जब हम कलेक्टिव नाउन्स का यूज करते हैं जैसे टीम, जूरी, क्लास, फैमिली, बुके, बंच, है ना, आर्मी, क्राउड, तो हम क्या करते हैं अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो काम कैसे कर रहा है, तो हम वहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो एक यूनिट यानी कि उसको हम एक मान रहे हैं कि पूरा का पूरा क्राउड या पूरा क्लास, जब हम उसको एज अ यूनिट रेफर करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द क्लास इज मेकिंग नॉइस, है ना, पूरा क्लास शोर कर रहा है। फिर अगर हमारा कलेक्टिव नाउन है वो अगर डिवाइडली फंक्शन कर रहा है, वो यूनिजन में यानी कि एकता में एक साथ काम नहीं कर रहा है, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि दैट पार्टी हैज वॉन द इलेक्शन, यानी कि उस पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया। तो अब पार्टी आपको पता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने इलेक्शन जीत लिया है, तो पार्टी में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे ना, लेकिन हम क्या कहेंगे कि उस पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है, ठीक। फिर देखिए, द ऑडियंस वर एंजॉयिंग द प्ले। अब यहाँ पे क्या है, ऑडियंस तो है लेकिन वो जितने ऑडियंस है वो सभी के सभी प्ले को एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय करने का वे सभी का डिफरेंट होता है, तो इसलिए हमने वर का यूज यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया है। फिर देखिए इधर एक मैंने एग्जांपल लिखा है, आर्मी हैज ऑर्डर्ड टू अटैक, यानी कि आर्मी को ऑर्डर मिला है अटैक करने का, है ना। आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन हम अगर आर्मी की बात करेंगे तो हम उसको एज अ क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, और यहाँ पे आर्मी जो है वो यूनिट में काम कर रही है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, है ना। सो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने रूल्स आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके और एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी रूल्स को देखेंगे। बाय बाय।